तो इस समय मेरे साथ हैं श्री अरविंद सिंह राजौरा, जो कि रोटरी क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष हैं। और आइए इनसे जानते हैं रोटरी क्लब के बारे में। तो राजौरा जी, बताइए रोटरी क्लब के कुछ इतिहास पर प्रकाश डालिए और ये किस प्रकार की गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों में योगदान देता है। सर, ये हमारा 1905 में चार फ्रेंड थे, दोस्तों ने एक सोशल कॉज के लिए एक अपने आप को गैदर किया। उन्होंने आपस में बैठना शुरू किया, धीरे धीरे वो मीटिंग्स को उन्होंने आगे सोशल की तरफ कन्वर्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने जो भी समाज से रिलेटेड समस्याएं थी उनको उठाना शुरू किया। धीरे धीरे करके ये इतनी बड़ा वृक्ष हो चुका है। आज वर्ल्ड में हमारे करीब 12 लाख रोटेरियंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आज की डेट में देखें तो। और रोटरी बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ होती है, जिसमें अगर एक रोटरियन होता है तो उसको बेसिकली गेन नहीं करना, देना होता है समाज के लिए प्रति। जैसे हर बंदे का एक दायित्व होता है कि उसको नैतिकता होती है कि उसको समाज के प्रति कुछ करना चाहिए, इसी तरह रोटरी भी एक संस्था है जो हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका रहता है, हर अगर हम सिटी की बात करें, दो भी हो सकती हैं, चार भी क्लब हो सकते हैं, तो उसमें कुछ मेंबर्स का सिस्टम रहता है कि आपके पास अगर 30-40 मेंबर्स हैं तो आप एक पूरा एक अलग क्लब बना के उसको ऑपरेट कर सकते हो। हर साल इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर, पूरा एक संस्था की तरह चलता है। और इसी तरह हम लोग उसमें ड्यूज वगैरह होते हैं, पर मेंबर ड्यूज होते हैं, तो उसके हिसाब से पूरे साल एक प्रेसिडेंट को एक साल का टाइम मिलता है जिसमें उसको पूरा सोशल काम करना होता है, जिसमें आपको ट्री प्लांटेशन हो गया, मेडिकल कैंप्स हो गए, ब्लड डोनेशन हो गया, प्लस साथ में जितना शिक्षा को लेकर हो गया, कुछ ऐसे तबके हैं जो फीस नहीं दे सकते, वहाँ पे भी रोटरी क्लब आगे बढ़ के हिस्सा देता है। कुछ स्कूल्स में आपका जहाँ के देखते हैं हम, वहाँ पे टेबल्स नहीं है, चेयर नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग टेबल चेयर कराते हैं। आपस में ड्यूज के अलावा हम लोग, लगता है कि यहाँ 50-60 या 1 लाख रुपये का कहीं एक्सपेंस हमारा आता है, तो हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर कलेक्ट करके उसको कर लेते हैं। तो हमारी संस्था कंटिन्यू, हमारी जो रोटरी हरिद्वार है, हरिद्वार का सबसे पुराना क्लब है, 62-63 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे चार क्लब ऑलरेडी, मतलब उसको लाके चार क्लब चल रहे हैं। रोटरी हरिद्वार में सबसे पुराना क्लब है। नहीं तो जैसे हरिद्वार शहर के अंदर ही चार रोटरी क्लब हैं जी, मतलब ये जैसे कुछ लोग मिल के बना लेते हैं। 30 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 30 सदस्य होंगे तो फिर आप रोटरी क्लब बना सकते हैं। हाँ, फिर पर इसके लिए मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि ये 1905 यानी कि ये सवा तकरीबन 116 साल पुराना मान लेते हैं इसको, तो अमेरिका से शुरू हुआ, तो जैसे आपको फिर ये जो इसका सेंट्रल, जो इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है। बेसिकली क्या है कि अगर मैं न्यू रोटरियन होता हूँ तो मुझे बेसिकली अपना अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। मेरा हर साल ड्यूज जाता है डिस्ट्रिक्ट RI रोटरी इंटरनेशनल को ड्यूज जाता है। ये मेरी कंटिन्यूटी, जिस बार मेरा ड्यूज नहीं जाएगा मेरी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए वैलिडिटी के लिए मुझे हर साल अपने आप को रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं वो बेसिकली अपने मेंबर्स की फीस, जैसे आज ही हम लोगों ने बेसिकली 2,35,000 का एक अमाउंट पे किया है रोटरी इंटरनेशनल को, तो ये एक कंटिन्यूएशन के लिए ही बेसिकली हमारा रिन्यूअल होता है इसका। जी जी, तो ये जैसे इसमें कोई आप ऑफिस बनाते हैं, मतलब ये कोई आपका बैठने की कोई जगह है शहर में या? सर बेसिकली यही है कि संस्था की का एक बहुत अच्छी खूबी है कि जरूरी नहीं है कि इसका कहीं पे एड्रेस होना चाहिए। और अगर मानो मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ और मैं हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं, बेसिकली मैं आपको अपना काम करने का तरीका बताता हूँ। हम लोग हर फ्राइडे को असेंबल होते हैं, हर फ्राइडे को हमारी जनरल मीटिंग होती है, उस जनरल मीटिंग में हमारे मेंबर्स आते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो फ्राइडे से पीछे के प्रोजेक्ट्स को उनको बताता है और आगे के लिए वो बात करता है कि भाई हाँ हमने इस वीक में हमने ये काम किया और आने वाले वीक में हमारा ये रहेगा। तो क्योंकि हम हर वीकली अगर हम मीटिंग करते हैं तो हमारे पास काम करने का एरिया ज़्यादा मिल जाता है। रोटरी कहते हैं कनेक्ट, यानी कनेक्ट होना चाहिए रोटरी का। वैसे एक बेसिकली थंब रूल क्या है, रोटरी कहती है सबसे पहले उसकी फैमिली, सेकेंडरी आपका आता है उसका व्यापार, और थर्ड आप पे आती है रोटरी। क्योंकि अगर फैमिली सही है तो आप
व्यापार सही है तो आप रोटरी कर पाओगे। रोटरी का मतलब एक्सपेंस, और आप बेसिकली समाज के जितनी भी ये नैतिक चीजें, तो आप तभी कर पाओगे, तो आप कहीं पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे। बिल्कुल, जैसे आदमी स्वयं सक्षम होगा, बिल्कुल अगर उसका वो स्वयं ही सक्षम नहीं है तो कैसे दूसरों की सहायता। स्वाभाविक है, वही है कि हाँ, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती भी है। जैसे हम आपके यहाँ देखते हैं कि भाई आप कुछ परसेंटेज देखते हैं कि जैसे मैं सरदारों में हम सुनते हैं कि भाई इतना परसेंटेज अपने अर्निंग का ही होता है, तो इसी तरह हमारे रोटरियंस में भी कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं कि भाई हम कुछ परसेंट का एक्सपेंस देकर हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो चार लोग इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जहाँ पे हम कोलोबेट इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। ये इसमें मतलब कि कोई किसी सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है? सर सरकारी नहीं होता, ये अपने आप में हमारा जो भी होता है इंटरनेशनल होता है, और डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट भी होता है, हर उसका एरिया। आप जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपका उत्तराखंड भी आ रहा है, कुछ पार्ट यूपी भी है, कुछ पार्ट आपका हरियाणा भी है, इवन पंजाब भी है, चंडीगढ़ भी, ये सारा रोटरी 3080 में आता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें इसी तरह से जॉइन वाइज बैठे हुए हैं। और रोटरी एक ऐसी संस्था है, मैं आपको अभी एक किस्सा बताता हूँ। मेरा अभी बिजनेस पर्पज से सिलवासा जाना हुआ, कुछ काम था मुझे। ये वेस्ट बंगाल में है, दमन में। दमन तो सडन मेरे दिमाग में आया, यार मैं क्यों ना अपने रोटरियन साथी को किसी को फाइंड आउट करूँ। मैं नेट पे गया, रोटरी क्लब सिलवासा में डाला, वहाँ पे दो नंबर आए, दोनों नंबर को मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, और केवल मैंने इतना लिखा कि मैं रोटरी क्लब हरिद्वार से हूँ और SSA साल प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे कुछ आपकी हेल्प चाहिए लोकली। आप देखिए मैं विद इन 15 मिनट्स बंदे का मैसेज आता है कि आप किस होटल में हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको आधा घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। तो रोटरी बेसिकली इसके साथ कनेक्ट करना सिखाती है। तो आप आधा पौना घंटे बाद बंदा मेरे पास पहुँचा, आप बिलीव करें पूरे दिन मेरे साथ रहा, पूरा दिन उस बंदे ने पूरा दिन मेरे लिए दे दिया। वो साथ में हम लोगों ने लंच किया, प्लस साथ में और रोटरी साथी आए, और हम लोग ना एक फ्लैग एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमारे रोटरी हरिद्वार का एक फ्लैग हो गया, इसी तरह उनका सिलवासा का एक फ्लैग होता है। तो हमने क्या कि अपना फ्लैग उनको दिया, उनका फ्लैग अपने को दिया, या हमारी ये क्या पुरानी यादें हो गई। इसी तरह हम लोगों ने वहाँ डिसाइड किया कि यार हम लोग फैमिली एक्सचेंज करेंगे। जैसे हम लोग पिकनिक करते हैं साथ में, पिकनिक करते हैं, तो हम लोग फैमिली एक्सचेंज करेंगे। तो उनसे डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप फैमिली लेकर हमारे यहाँ आइए, हम यहाँ उसको होस्ट करेंगे, हम फैमिली लेकर हरिद्वार आएंगे। तो रोटरी बहुत बड़ा परिवार है बेसिकली, मतलब वर्ल्ड वाइड आप देखें, आप कहीं पे भी आप जा रहे हैं एज ए रोटरियन आप हैं, आपको केवल वहाँ सर्च करके ही कहना आई एम रोटरियन, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरा हेल्प कीजिए, मतलब मैं कह ही नहीं सकता कोई बंदा उसको डिनाई करने वाला है। वी आर वेरी प्राउड एज ए रोटरियन। ये जो है भारत में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, ये उस समय से रोटरी क्लब चल रहा है। आपको मैं एक बहुत बड़ा कॉज बताता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट बताता हूँ रोटरी का, जो आप कहते हैं पोलियो, पोलियो फ्री करने में रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है। रोटरी को आप देखो वर्ल्ड वाइड, अब शायद पाकिस्तान में कुछ केस आए हैं, अदरवाइज वर्ल्ड में पोलियो ख़त्म हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रोटरी की है। मैं आपको अभी एक और दो साल पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक हमारे रोटरियन है जो इधर साउथ से हैं, आप बिलीव करोगे उन्होंने $1 crore रोटरी फाउंडेशन को दान दिया है। $1 crore उन्होंने अपने बच्चों से बात की, उनके पास फंड्स था कि भाई मैंने पूरे साल एक रिसर्च की है कि मैं किस संस्था को पेमेंट ये देना चाहूँगा। तब जाकर के उन्होंने डिसाइड किया कि भाई रोटरी एक ऐसी संस्था है कि जहाँ फंड्स जाता है और उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, हम कुछ फंड्स, ये तो ड्यूज हो गया, ड्यूज के अलावा भी हम एक TRF फंड होता है, उसमें क्या होता है पर मेम्बर का होना चाहिए, आप $100 दे दीजिए, 200 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए एज पर योर कैपेसिटी। तो वो जो फंड होता है हमारा, वो फंड बेसिकली क्या है, वो इंटरनेशनल जाता है। जितनी भी आपदाएं होती हैं किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में, वो फंड वहाँ पे आता है। तो हमको जैसे वो जो हम फंड देते हैं ना, उसको देने में हमें अलग प्राउड होता है, या ठीक है हम कुछ ऐसा फंड दे रहे हैं, यहाँ तो हम लोग सोशली हैं ही हैं, हम इंटरनेशनल कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो रोटरी 3080 डोनेशन में बहुत आगे चल रही है। तो जैसे
कोई व्यक्ति रोटरी क्लब का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम अर्हता, मिनिमम एलिजिबिलिटी या क्या रिक्वायरमेंट? बेसिकली सही सर, सबसे पहले तो जो बंदा रोटरी बनना चाहता है उसके मन में एक सेवा भाव हो, समाज के प्रति सेवा भाव हो, काम करने की इच्छा हो। और रहा भत्ते वाली बात, तो हमारा जैसे रोटरी हरिद्वार की बात करें, जब जो न्यू मेंबर आता है उसका 10,000 इनिशियल फीस होता है, प्लस जो ड्यूज होता है हमारा से आज की डेट में 21,000, तो 31,000 पे करके वो होल ईयर्स का उनका ड्यूज हो जाता है। अब इसमें भी अगर हम बात करें, हम लोग फैमिली गैदरिंग भी करते हैं, 5 से 6-7 हमारी फैमिली गैदरिंग होती है, सारे फेस्टिवल्स हम लोग साथ मनाते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है, अलग उल्लास होता है। दिवाली, होली, ये हम सारे साथ में करते हैं, आपका जितने फेस्टिवल्स हैं उनको हम फुल्ली एंजॉय करते हैं। उसमें बेसिकली इस मेंबर को कुछ नहीं देना होता, वो जो ड्यूज देता है उसी पैसे से जितनी भी हमारी पार्टी सर्टी होती है उनका भी उसमें सारा अरेंजमेंट होता है। तो कोई जैसे कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी आपका बनता है? यस सर, हमारा एक मेंबर कार्ड बनता है, मेंबर कार्ड बनता है, वो इंटेंशन जो होता है वो जो आईडी होगी आपकी, वो आपका आप जब भी आप एज ए रूटीन बनेंगे तो आपकी आईडी जनरेट होगी, वो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इंटरनेशनल भी आपकी शो होगी, इसलिए वो जब तक ही रहेगी जब तक तो आप कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू होने के बाद वो फिर दोबारा से वो नहीं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि एक तो 10,000 रुपये देने होते हैं और इनिशियल होता है, इनिशियल फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, पहले रोटीन बनाएंगे अच्छा, वो मैम मतलब अच्छा। और जो आपने फिर 21,000 बताया, 21,000 रुपये फंड्स होता है, जिसमें हमें क्या है कि कितने टाइम तक वैलिड होता है? वन ईयर। अच्छा, फिर एक साल बाद फिर 21,000 देना होगा? ये तो सर मैंने क्या कहा आपको कि रोटरी ऐसा है एक्सपेंस का है, लेकिन हाँ मन में इच्छा होती है काम करने, तो काम करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज जैसे मानो मुझे एक साल मिला है काम करने के लिए, तो मेरी इच्छा रही कि एक साल में जितना ज़्यादा काम कर सकूं। अभी हम लोगों ने परसों में आप देखो ट्री प्लांटेशन काम किया है, 1100 पेड़ हमने लगाए, और हमारा टारगेट है इस साल 2024-25 में कि हम 2024 पेड़ हमको लगाने ही लगाने हैं। और 2024 पेड़ लगाने के साथ ये नहीं खाली पेड़ लगाने, हमारा टारगेट है वो मैक्सिमम पेड़ चलें कैसे। इसीलिए हम लोग जहाँ पे भी प्लांटेशन कर रहे हैं ऐसी जगह करें जहाँ हमारे रोटेरियंस हों, जिन वो देखभाल कर सकें। आज हमने पेड़ लगा दिया तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इसकी देखभाल आप करेंगे। तो इसी 2024 हमारा टारगेट, 2024 में कम से कम हम 2000 पेड़ को तो ऐसे लेके आए हैं जो हम अगले साल अगर देखें तो उनकी हम क्लिकिंग कर सकें। इसी तरह हमारा ब्लड डोनेशन का हो गया, 4 कैंप हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का प्लान किया है। अभी इवन कल ही मेरे सामने एक इशू आया है कि बाल भारती जो हमारा विद्या मंदिर है इधर, यहाँ एक बच्ची है जिसका 3 साल से फीस नहीं गई है, 4 साल से, और वो 10th में आई है इस बार, तो उसका 60,000 के आसपास का ड्यूज बन रहा है, तो प्रशासन जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने उसको बैठाने से मना कर दिया। तो इवन मैंने उनको बोल दिया ठीक है आप इस चीज़ को मैं आकर मिलता हूँ आपसे, और इस बच्ची को आप कंटिन्यू करें, तो बच्ची का भविष्य का सवाल है, उस फीस को हम इसको डोनेट करेंगे। तो इस तरह से हो गया, किसी के पास बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, या हमारा एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है कि जैसे मानो मेरे पास कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसका मेरे बच्चे यूज नहीं कर रहे, उसको मैं रिपेयर करा करके जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग उनको डिजिटली एजुकेट कर सकते हैं, वहाँ उसको हम देने का प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारे यानी ये देखिए प्रोजेक्ट्स का तो ऐसा है आपके माइंड में आना चाहिए उस चीज़ को। दूसरा क्या है, जैसे हमारे वेस्ट क्लोथ्स होते हैं, कपड़े जिनको हम नहीं पहनते हैं, उन कपड़ों को भी हम जैसे गूंज को देते हैं साथ में। अभी एक प्लान अभी और आया, जैसे एक सरदार जी हैं शिवाली नगर में, अगर आपने देखे हों, वो क्या करते हैं कि प्लास्टिक को रोकते हैं, वो क्या करते हैं उन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है उस पर से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज ना करें, अगर आप सब्जी प्लास्टिक खरीदें वो कुछ नहीं कहते, वो आके उस बोर्ड को लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। उनका पर्पज़ ये है कि भाई मत यूज करो। उनसे इंस्पायर होकर हम लोगों ने क्या किया, अभी कपड़े के बैग बनवाए हैं, 16x21 इंच कपड़े का बैग बनवाया, जिसमें हमने रोटरी का एम्बलम लगवाया अपना, और 2 मैसेज दिए, सेव वाटर और सेव नो टू प्लास्टिक। तो उनके साथ हमने टाइप किया है, मैं सर आप कॉस्ट आप ना करें, आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। तो अभी सहारनपुर में बात हुई है, हम 5,000 बैग प्रिंट कराने वाले हैं, और जितनी भी पीठ है हमारी वहाँ हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई इस प्लास्टिक को जितना कम यूटिलाइज कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली लोग काम करना नहीं चाहते। पहले यही होता था, सारी सब्जी एक ही थैले में आया करती थी, अब क्या है हम क्योंकि काम करने से बचते हैं तो इसलिए क्या सेग्रेट नहीं करना चाहते, इसलिए 20 पॉलीथिन लेकर आ जाएंगे। अरे यार इस थैले में डालो, घर जाकर इसको सेग्रेट कर लो यार, वो ज़्यादा अच्छा कम इस बहाने पॉलीथिन तो नहीं आएगी। इसीलिए हम लोगों ने वो बैग जिस दिन हमारा इंस्टॉलेशन था स्टार्टिंग थी, हम लोगों ने 100 बैग बनवाए
प्रिंट कराया और सबसे पहले अपनी एंस को दी, एंस हम यानी हम अपनी स्पाउस को बोलते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हम सोशल की बात कर रहे हैं, हम लोगों को सुधरने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको सुधरना चाहिए, सबसे पहले उस जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं वो पहले घर से होता है। जैसे कहते हैं ना कि सोशल आप कुछ करना चाहते हैं तो घर से शुरुआत होती है, तो हमने उसकी शुरुआत करने के लिए हमने अपनी एंस को वो बैग दिए हैं कि आप हम कोशिश करते हैं करो कि भाई एक साथ तो आप चेंज नहीं लाओगे लेकिन 50, 60, 80 कैसे हम इसको प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा एक हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट हम काम कर रहे हैं सेव वाटर। सेव वाटर में जैसे आप मीडिया से हैं, मेरी भी आपसे दरख्वास्त रहेगी, हरिद्वार में कहीं पर भी पीने वाला पानी अगर लीकेज है, उसका नल टूटा हुआ है, आप मेरा नंबर लेके जाएं, आप मुझे केवल वहाँ की लोकेशन शेयर करेंगे कि भाई ये व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करेंगे। हाँ, मेरा नंबर 9837473436, अरविंद सिंह राजौरा, रोटरी क्लब हरिद्वार प्रेसिडेंट। तो उसको हमारी क्या, मैंने क्या है कि प्लम्बर के साथ में टाइप किया हुआ है, वो बंदा जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको पहले से हमने टैप दिए हुए हैं, वो जाएगा उसको चेंज करेगा, पहले उसका पहला फ़ोटो खींचेगा, चेंज करेगा, अगेन फ़ोटो खींचेगा, तो उसका जो भी हमने फिक्स किया उसका हम नोट कर लेते हैं। आप देखो हमारे पास केवल 2% पानी है, अगर हम बात करें पीने का पानी हमारे पास है कितना, हम फिर भी अवेयर नहीं है। तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले पानी को सेव करें, पीने वाले पानी को बताएं, आप भी इस चीज़ को फैलाओ जहाँ पे हो सकता है। मेरा नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9837473436, अरविंद सिंह राजौरा नाम है मेरा। आप केवल हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए लोकेशन प्लस फोटो, दो चीज़ शेयर कर दीजिए, उसको बंद करने का काम हमारा होगा, रोटरी हरिद्वार का होगा। आप अगर इसे कैलकुलेशन देखेंगे, एक नल अगर 30 दिन कंटिन्यू बहता है, लाखों लीटर पानी आपका ऐसा होता है जो वेस्ट जाता है, जिसको हमें सेव करना है। कहने को ये बहुत छोटा है लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं इसीलिए, और बड़े विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये थे अरविंद सिंह राजौरा, रोटरी क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष।